Devendra Jajarya, India's greatest and the first Paralympian to win two gold medals at the Paralympics, spoke to Prasar Bharti news service in an exclusive conversation. The 40-year-old Paralympic javelin thrower pulled off a new personal best throw of 64.35 metres to win silver in F46 classification at Tokyo 2020 Paralympic Games. Devendra Jajarya has created a hat-trick of medals,

और वही वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने टोक्यो में भी ब्रेक किया मेरा तो बेस्ट किया मैंने लेकिन कहीं कारणवश एक खिलाड़ी ने मेरे से भी ज़्यादा किया उसको गोल्ड मिला और मेरे को सिल्वर मिला खैर वो तो गेम का एक पार्ट होता है सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा एक सपना था कि हिंदुस्तान में डिफरेंटली एबल लोगों को एक पहचान मिले क्योंकि उस टाइम में जब मेरे नौ साल की उम्र में जो मुझे करंट लग गया था और जो मैंने सोसाइटी में जो मैंने सामना किया एक डिफरेंटलीबल होते हुए मैं चाहता था और कोई ना करे ऐसा सामना क्योंकि जब मेरे को एक हाथ काट दिया था डॉक्टर ने जब मैं घर पे मेरी वापसी हुई थी तो कोई भी आकर के मेरी मम्मी से ये कहता है कि मेरे सामने बोलता कि इससे अच्छा है मर जाता तो अच्छा रहता तो मैंने वो शब्द भी सुने हैं और मैंने वो शब्द भी सुने हैं कि देश के लिए बहुत बड़ा नाम कमाया आपने तो बहुत ही डाउन टू तो अर्थ भी सीखा हमने ऊंचाई पे जा कर के भी सीखा लेकिन एक मैंने सीखा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आज इतना बड़ा अनुभव है उन्नीस साल से भारतीय टीम में हूँ और उन्नीस साल से लगातार मेडल दे रहा हूँ दुनिया का ऐसा कोई मेडल नहीं जो मैंने नहीं जीता हो दुनिया का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जो मैंने ब्रेक नहीं किया हो लेकिन एक सीखा जिंदगी में कि हार नहीं माननी चाहिए और हर चीज़ कोई आपकी अंतिम नहीं होती अवसर आएंगे धीरे धीरे आएंगे मुझे आज भी पता है जब 2017 में मुझे राजीव गांधी खेल रत्न मिला था तो ऐसे ही मीडिया मेरे से पूछ रहा था कि देवेंद्र जी क्या बदला हुआ है हिंदुस्तान में पैरा स्पोर्ट्स में तो मैंने कहा आज से 20 साल पहले जब मैं भाला लेके ग्राउंड पे पहुंचा था तो मेरे को वहाँ से एक प्रकार से भगा दिया गया था कि क्या काम है आपका डिफरेंटली एबल हो आप

तीन मेडल लिए हैं ओलंपिक लेकिन जब मैंने टोक्यो फिनिश किया उसके दो पाँच दिन बाद में हमने मैंने कोच ने मेरे फिटनेस ट्रेनर ने एक प्लान बनाई कि कहाँ कमियाँ हैं अभी भी रियो में भी वही हुआ हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते ये प्लान बनाया कि कहाँ कमियाँ आ रहेगी जबकि कमियाँ क्या होती हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया आपने गोल्ड ले लिया कौन सी कमी है नहीं फिर भी कमी यानी नया सीखना चाहते हैं यदि आप पर डे नया सीखते हो तो कभी भी आप पुराने नहीं हो सकते तो इसलिए मैं पर डे नया सीखता हूँ जेवलिन में सीखता हूँ ट्रेनिंग प्लान देखता हूँ मैं कैसे होनी चाहिए और अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि मैंने आज ये सीखा है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में और गेम ही एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया को एक सूत्र में जोड़ता है बांधता है दुनिया को सबको साथ रहने का एक मौका देता है एक मंच के नीचे आप जाते हो ओलंपिक में पूरी दुनिया एक मंच के ऊपर आती है तो बहुत अच्छा लगता है गेम बहुत like बड़ा बदलाव है और इसे मैं असाधारण बदलाव कहूंगा एक तो होता धीरे धीरे बदलाव एक होता है असाधारण बदलाव और वो मुझे आज भी याद है जब मैंने एक गेम की शुरुआत की थी तो मेरे पास एक लकड़ी का बाला था मातर कुछ भी नहीं था मेरे पास सूज नहीं थे ट्रैक शूट नहीं थी 2004 के अंदर मैंने खुद के पैसे दे करके गया वो भी सभी को पता है कैसे वो मैनेज किया वो भी सभी को पता है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था घर पे बैठ जाता था ग्राउंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करता था लेकिन फिर भी ये होता था पहुंच पाऊंगा कि नहीं है क्योंकि पैसे नहीं हैं और जब मैं एथेंस में आज भी मुझे याद है मेरे साथ कोच भी नहीं गया कोई तो एक मैनेजर गया था तो मैं ट्रेनिंग कर रहा वार्मअप कर रहा मेरा ओलंपिक के लिए तो एक चाइनीज एथलीट उनके पीछे तीन लगे हुए थे एक के पीछे तीन तो मैंने पूछा भाई एक के पीछे एक कोच होता है ये तीन कौन है तो मेरे साथ वाले ने कहा देख एक ऐसा नहीं होता वर्ल्ड लेवल पे एक फिटनेस ट्रेनर होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है एक कोच होता है इनका अलग अलग काम होता है अलग अलग भूमिका होती है इनकी तो दो हजार इक्कीस में जब मैं टोक्यो गया था तो मेरे पास कोच भी था मेरे पास फिटनेस ट्रेनर भी था और मेरे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी था तो कहने का मतलब उस दिन जो फैसिलिटी उन लोगों के पास थी वो अब हमारे पास आ गई और इसमें सबसे बड़ा कोई यदि रोल है मैं एक व्यक्ति का रोल कहूँ तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का उन्होंने फैसिलिटी बड़ी शानदार फैसिलिटी दी उन्होंने दो हज़ार पंद्रह से पहले हमें पैरालंपिक खिलाड़ियों को कोई टॉप स्कीम नहीं थी आते ही उन्होंने कहा ये भी बराबरी का दर्जा है इनका भी राइट्स है और कहीं न कहीं मैं मानता हूँ लास्ट पाँच छः साल में सामान्य खिलाड़ियों को जो फैसिलिटी मिली कहीं ना कहीं उनसे हमें ज़्यादा अच्छी मिली और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन लिया था जब 16 में हिंदुस्तान के मेडल कम आए थे तो आपको सभी को पता होगा टास्क फोर्स का गठन किया था उसमें मुझे भी मेम्बर बनाया गया था और मैंने भी मेरे सुझाव रखे थे उन सुझावों पे गौर पूरी पूरी गौर की गई और उन सभी को इम्प्लीमेंट किया गया उन सुझावों को जैसे गांधीनगर में एक स्पेशल पैरा हॉस्टल खोलना वहाँ अठारह बीस साल के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं सत्रह साल के बच्चे कर रहे हैं तो जो टॉप्स स्कीम थी अब फाइनली उस टॉप्स स्कीम में एक अतिर स्कीम और एक होती है स्कीम लागू होना तो सबसे बड़ी बात ये थी वो स्कीम लागू ही है जो भी खिलाड़ी ने जो भी फैसिलिटी मांगी है जैसे पर्सनल कोच फिटनेस ट्रेनर फिजियो फॉरेन ट्रेनिंग सब फैसिलिटी खिलाड़ी के लिए ओपन थी कोई भी कैसी भी फैसिलिटी ले सकता है इसीलिए ये एक दिन का नतीजा नहीं था ये 2015 से प्रधानमंत्री जी की तैयारी थी इसलिए हमारे

जितने भी ग्राउंड हैं देश के खास करके सेंट्र गवर्नमेंट के ग्राउंड हैं उनमें व्हील पर्सन को पूरी फैसिलिटी दी जाए और उस पर तो ज़्यादातर काम हो चुका है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के जो जितने भी ग्राउंड हैं उन पे काम होने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वहाँ टॉयलेट्स नहीं हैं व्हील चेयरपर्सन के लिए उन पे हमें काम करने की ज़रूरत है तो कम से कम मेरा ये मानना है डिस्ट्रिक हेडकोार्टर पर एक पैरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोच रखें ये मैंने सुझाव भी दिया है और मुझे उम्मीद है इस पर गौर होगी इसमें कोई शक नहीं है और इसके अलावा मैंने काफ़ी सुझाव दिए हैं और इस पर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो सकता है और सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग है जो उस पर वो भी काम कर सकता है क्योंकि सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग है वो उसका प्रचार अच्छे से कर सकता है तो मेरे ये मानना है कि निःशक्त लोगों को पैरा स्पोर्ट्स में लाने के लिए ये काम हम कर सकते हैं

मतलब कोई मेरा नाम नहीं लेता वहाँ पे तो मेरा नाम हो गया भाई साहब हमारी <laughs> इज्जत का नाम होता है भाई साहब बहुत बड़ा नाम होता है तो मैं कहना इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा मेरे से राय लेता है समय समय में मैं बच्चों को राय भी देता हूँ कि आप ऐसे करना चाहिए दीपा जी आज पी सी आई की प्रजिडेंट है और एथलेटिक्स के अंदर पैरालंपिक्स के अंदर रजत पदक जीत चुकी है और हमारा बहुत अच्छा तालमेल है आपने देखा होगा जो भारतीय टीम गई थी टोक्यो पैरालंपिक्स में एक भी कंप्लेंट नहीं आई थी तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया देश की सबसे अच्छी फेडरेशनों में एक है और हमारा परिवार है वो हम सब परिवार की तरह रहते हैं और मेरे से विशेष स्नेह उन लोगों का क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उस दौर का हूँ जहाँ पे पैरा स्पोर्ट कोई को जानता नहीं था तो बच्चों को ये भी पता है कि देवेंद्र ने बहुत संघर्ष किया है तो उस संघर्ष की वो इज्जत कर रहे हैं मेरी और मेरे को भी अच्छा लगता है और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो संघर्ष को भूले नहीं हैं कोई भी क्षेत्र में जाएं अपने आप पे विश्वास करें कि मैं ये कर सकता हूँ और डिसिप्लिन में रह करके अनुशासन में रह करके और कॉन्फिडेंस के साथ जो भी क्षेत्र में जाएं कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और लगे रहें जुनून के साथ लगे रहें आने वाला टाइम उसी युवा का होगा थैंक यू फॉर exclusive conversation with फॉर मोर icons.